जुगे जुगे राखी हा सुहागा है छठी मैया, जुगे जुगे राखी हा सुहागी है मांगी लाया आशीर्वाद है छठी मैया, इहे मांगी लाया आशीर्वाद। नमस्कार, मैं हूँ शीतल विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं लाइव 24। आज बात होगी छठ महापर्व की। छठ पूजा में सूर्य देव की उपासना से मिलेगी अच्छी सेहत, भर जाएंगे धन धान्य के भंडार, सूर्य जैसी श्रेष्ठ संतान की होगी प्राप्ति। सूर्य देव की आराधना का यह पर्व साल में दो बार चैत्र शुक्ल षष्ठी और कार्तिक शुक्ल षष्ठी को मनाया जाता है। कार्तिक छठ पूजा का विशेष महत्व माना जाता है। छठ पूजा चार दिनों का अत्यंत कठिन और महत्वपूर्ण महापर्व होता है। छठ पूजा में सूर्य देव की उपासना करके उनकी कृपा से अच्छी सेहत, धन धान्य के भंडार और सूर्य जैसी श्रेष्ठ संतान प्राप्ति आदि अनेक मनोकामनाओं की पूर्ति की जा सकती है। बिहार और उत्तर प्रदेश के पूर्वी इलाकों में छठ पर्व पूर्ण श्रद्धा के साथ मनाया जाता है। छठ त्योहार के समय बाजारों में जमकर खरीदारी होती है। लोग इसके लिए खासकर फल, गन्ना, दाली और सूप आदि जमकर खरीदते हैं। छठ व्रत एक कठिन तपस्या की तरह है। यह व्रत अधिकतर महिलाओं द्वारा किया जाता है, कुछ पुरुष भी व्रत रखते हैं। व्रत रखने वाली महिलाओं को परवैतिन कहा जाता है। चार दिनों के इस व्रत में व्रती को लगातार उपवास करना होता है। भोजन के साथ ही सुखद शैया का भी त्याग किया जाता है। पर्व के दिन बनाए गए कमरे में व्रती फर्श पर एक कंबल या चादर के सहारे ही रात बिताते हैं। इस उत्सव में शामिल होने वाले लोग नए कपड़े पहनते हैं जिनमें किसी प्रकार की सिलाई नहीं होती है। व्रती को ऐसे कपड़े पहनना अनिवार्य होता है। महिलाएं साड़ी और पुरुष धोती पहनकर छठ व्रत करते हैं। छठ पूजा का शुभ मुहूर्त नहाए खाए 11 नवंबर 2018 को, खरना या लोहंडा 12 नवंबर 2018 को, संध्या अर्घ 13 नवंबर 2018 शाम 5:28 पर सूर्यास्त होगी। प्रातः अर्घ 14 नवंबर 2018 प्रातः 6:41 पर सूर्योदय होगा। छठ पूजा का आरंभ कार्तिक शुक्ल चतुर्थी से होता है तथा कार्तिक शुक्ल सप्तमी को इसका समापन होता है। प्रथम दिन कार्तिक शुक्ल चतुर्थी नहाए खाए के रूप में मनाया जाता है। दूसरे दिन कार्तिक शुक्ल पंचमी को खरना किया जाता है। पंचमी को दिन भर खरना का व्रत रखने वाले व्रती शाम के समय गुड़ से बनी खीर, रोटी और फल का सेवन प्रसाद रूप में करते हैं। इसके बाद व्रती 36 घंटे का निर्जला व्रत करते हैं। षष्ठी के दिन घर के समीप ही किसी नदी या जलाशय के किनारे अस्ताचलगामी यानी डूबते सूर्य और दूसरे दिन उदयमान यानी उगते सूर्य को अर्घ समर्पित कर पर्व की समाप्ति करते हैं। व्रत समाप्त होने के बाद ही व्रती अन्न और जल ग्रहण करते हैं। छठ पूजा विशेष रूप से बिहार, झारखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश में रहने वाले लोग बहुत धूमधाम से मनाते हैं। छठ व्रत नियम और निष्ठा से किया जाता है। भक्ति भाव से किए गए इस व्रत द्वारा निसंतान को संतान सुख प्राप्त होता है, धन धान की प्राप्ति होती है, जीवन सुख समृद्धि से परिपूर्ण रहता है। छठ व्रत के दौरान सूर्य देव की पूजा की जाती है। जल में खड़े होकर कमर तक पानी में डूबे लोग दीप प्रज्वलित किए प्रसाद से पूरित सूप से उगते और डूबते सूर्य को अर्घ देते हैं और छठी मैया के गीत गाते हैं। पहले दिन कार्तिक शुक्ल चतुर्थी नहाए खाए के रूप में मनाया जाता है। सबसे पहले घर की सफाई कर पवित्र किया जाता है। इसके पश्चात छठ व्रती स्नान कर पवित्र तरीके से बने शुद्ध शाकाहारी भोजन, कद्दू चने की दाल की सब्जी और चावल ग्रहण करते हैं। घर के सभी सदस्य व्रती के भोजन करने के उपरांत ही भोजन ग्रहण करते हैं। दूसरे दिन कार्तिक शुक्ल पंचमी को व्रतधारी दिन भर का उपवास रखने के बाद शाम को चंद्र उदय होने के बाद भोजन करते हैं। इसे लोहंडा या खरना कहा जाता है। खरना का प्रसाद लेने के लिए आसपास के सभी लोगों को निमंत्रित किया जाता है। गुड़, चावल की खीर के साथ दूध
और घी चुपड़ी रोटी बनाई जाती है। इसमें नमक या चीनी का उपयोग नहीं किया जाता। इस दौरान पूरे घर की स्वच्छता का विशेष ध्यान रखा जाता है। तीसरे दिन कार्तिक शुक्ल षष्ठी को दिन में छठ का प्रसाद बनाया जाता है। प्रसाद के रूप में ठेकुआ और चावल के लड्डू बनाए जाते हैं। इसके अलावा मौसमी फल और नारियल भी छठ प्रसाद के रूप में शामिल होता है। शाम को पूरी तैयारी और व्यवस्था कर बांस की टोकरी में अर्घ का सूप सजाया जाता है। व्रती के साथ परिवार तथा पड़ोस के सारे लोग अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ देने घाट की ओर चल पड़ते हैं। सभी छठ व्रती एक नियत तालाब या नदी किनारे इकट्ठा होकर सामूहिक रूप से अर्घ दान करते हैं। सूर्य को जल और दूध का अर्घ दिया जाता है। छठी मैया की प्रसाद भरे सूप से पूजा की जाती है। इस दौरान कुछ घंटे के लिए मेले जैसा सुंदर दृश्य बन जाता है। चौथे दिन कार्तिक शुक्ल सप्तमी की सुबह उदयीमान सूर्य को अर्घ दिया जाता है। पूजा के पश्चात व्रती शरबत पीकर और थोड़ा प्रसाद खाकर व्रत पूर्ण करते हैं, जिसे पारण कहा जाता है। छठ पूजा की परंपरा और उसके महत्व का प्रतिपादन करने वाली अनेक पौराणिक और लोक कथाएं प्रचलित हैं। एक मान्यता के अनुसार लंका विजय के बाद राम राज्य की स्थापना के दिन कार्तिक शुक्ल षष्ठी को भगवान राम और माता सीता ने उपवास किया और सूर्य देव की आराधना की। सप्तमी को सूर्योदय के समय पुनः अनुष्ठान कर सूर्य देव से आशीर्वाद प्राप्त किया। एक अन्य मान्यता के अनुसार छठ पर्व की शुरुआत महाभारत काल में हुई थी। सबसे पहले सूर्य पुत्र कर्ण ने सूर्य देव की पूजा शुरू की। कर्ण भगवान सूर्य के परम भक्त थे। वह प्रतिदिन घंटों कमर तक पानी में खड़े होकर सूर्य देव को अर्घ देते थे। सूर्य देव की कृपा से ही वे महान योद्धा बने थे। आज भी छठ में अर्घ की यही पद्धति प्रचलित है। कुछ कथाओं में पांडवों की पत्नी द्रौपदी द्वारा भी सूर्य की पूजा करने का उल्लेख मिलता है। वे अपने परिजनों के उत्तम स्वास्थ्य की कामना और लंबी उम्र के लिए नियमित सूर्य पूजा करती थीं। एक कथा के अनुसार राजा प्रियव्रत की कोई संतान नहीं थी। पत्नी मालिनी के साथ राजा प्रियव्रत ने संतान की इच्छा से देवी षष्ठी का व्रत किया और उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। यह पूजा कार्तिक शुक्ल षष्ठी को हुई थी। भगवान कृष्ण के पौत्र शांब को कुष्ठ रोग हो गया था। इस रोग से मुक्ति के लिए विशेष सूर्योपासना की गई और शांब रोग मुक्त हुए। छठ पूजा का महत्वपूर्ण पक्ष इसकी सादगी, पवित्रता और जनमानस की एकता भी है। भक्ति और आध्यात्म से परिपूर्ण इस पर्व में बांस निर्मित सूप, टोकरी, मिट्टी के बर्तन, गन्ने का रस, गुड़, चावल और गेहूं से निर्मित प्रसाद और सुमधुर लोकगीतों में लोक जीवन की भरपूर मिठास होती है। इस व्रत के लिए ना मूर्ति की आवश्यकता है ना ही पुरोहित की। पास पड़ोस के लोग भी अपनी सेवा देने के लिए सहर्ष और कृतज्ञता पूर्वक तैयार रहते हैं। इस उत्सव के लिए व्रतियों के गुजरने वाले रास्तों की सफाई, तालाब या नदी किनारे अर्घदान की उपयुक्त व्यवस्था जनता स्वयं अपने सामूहिक प्रयास से करती है। छठ पूजा में खरना से लेकर अर्घदान तक समाज की अनिवार्य उपस्थिति बनी रहती है। यह सामान्य जनता के सेवा भाव और भक्ति भाव से किए गए सामूहिक कर्म का विराट और भव्य प्रदर्शन है। आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए लाइव 24। नमस्कार। पटना के घाट पर हम मुहर गया के बहिए छठी मैया। हम ना जाइब दूसर घाट देखब हे छठी मैया। हम ना जाइब दूसर घाट देखब है।